हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम बैक इन माय चैनल। दोस्तों, मैं हूं आकाश पांडे और आप देख रहे हैं यूनिक सिविल लाइन में एक और चैनल फ्यूनिक। कैसे हो आप लोग? दोस्तों, आज का जो वीडियो है थोड़ा अलग टाइप का है, थोड़ा बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। क्यों भाई, ऐसा मैं काहे बोल रहा हूँ, चलो बताते हैं। तो ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इस वीडियो में मैंने वो क्लिप तैयार किए हैं, वो पॉइंट्स तैयार किए हैं, जिसको पढ़ने के बाद स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग कंप्लीट हो जाएगी आपकी। मींस पॉइंट आपको डायरेक्ट दे रहा हूँ, इसके बाहर से किसी भी स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग की जॉब में, इंटरव्यू में कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, इसकी गारंटी मैं दे देता हूँ आपको। अब लोगों की गारंटी कैसे सर? क्योंकि मेरा जो भी 5 साल का एक्सपीरियंस है, उसमें अब तक में जितने टाइप के क्वेश्चन स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग पूछे जाते हैं, जिस टॉपिक से पूछे जाते हैं, वो सारे टॉपिक्स का मैंने क्लिप तैयार कर दिया है और वो क्लिप अभी मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। साथ ही साथ उसको आप इंस्टाग्राम पे, मेरे जो यूनिक सिविल का पेज है, फेसबुक पे भी और टेलीग्राम के चैनल पे भी, सभी जगहों पे उसको आप पा सकते हो और मैंने ऑलरेडी डाल रखा हुआ है, उसको आप जाके देख सकते हो। और साथ ही साथ अभी मैं बताने जा रहा हूँ कि अच्छा ये टॉपिक्स पढ़ना चाहिए। अब इसमें से मुझे एक आपसे एक रिक्वेस्ट भी है, वो रिक्वेस्ट क्या है, आप पूरी वीडियो देखो, वीडियो में जो टॉपिक आपको नहीं आते हैं, चाहे तो स्लाइड नंबर या फिर टॉपिक नंबर आप नीचे जरूर लिखो। उससे फायदा क्या होगा? उससे फायदा ये होगा कि मैं देखूंगा कि अच्छा ठीक है, ये टॉपिक ज्यादातर लोगों को नहीं आ रहा है, अपन वीडियो उसी टॉपिक पर बनाएंगे। और उससे क्या होगा कि जो नीड है वही मार्केट में आएगा, वही तो जरूरत है ना। अगर नीड को समझ गए और मार्केट में वो चीज आने लगी, तो बस कंज्यूमर का डिमांड कंप्लीट हो गया, तो सब कुछ हो गया। तो आप सबको रिक्वेस्ट है कि मुझे मार्केटिंग नहीं आती, बस ऐसे में ट्राई करता रहता हूँ। तो आप सबकी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लास्ट तक देखना और उसके साथ ही साथ यहाँ पर नीचे जरूर बताना कि आपको कौन सा टॉपिक नहीं आता है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, मैं आपको इतने जो टॉपिक्स बता रहा हूँ, अगर इतना आपने पढ़ लिया, बिलीव करो कि 110% इसके बाहर से 1 साल के एक्सपीरियंस तक और फ्रेशर के लिए स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग में कुछ भी नहीं पूछ सकते हैं। मैं उससे ज़्यादा का प्रॉमिस इसलिए नहीं कर सकता हूँ क्योंकि उससे ज़्यादा आप जैसे जैसे आगे जाओगे डेफिनेटली उससे ज़्यादा पूछेंगे, मतलब हार्ड होता चला जाएगा। बट 1 साल के एक्सपीरियंस तक और फ्रेशर्स के लिए क्या क्या टॉपिक्स तैयार करने होते हैं, इसमें बहुत ही अच्छे तरीके से मैंने समझाया। सो चलिए देखते हैं क्या क्या चीज़ें आपको आनी चाहिए। दोस्तों, सबसे पहले आपको आनी चाहिए SFT, BMT, शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट। अगर आपको निकालना नहीं आ रहा है तो आप पहले ही स्टार्टिंग में ही फंस जाओगे, और उसके साथ डिफ्लेक्शन अगर आपको नहीं आ रहा है, अगर सोम, क्योंकि अब डेफिनेटली आप स्ट्रक्चर इंजीनियर बनने जा रहे हो तो सोम आपका स्ट्रांग होना चाहिए, डिफ्लेक्शन आपको निकालना आना चाहिए, और ILD, डिफ्लेक्शन, SFD, BMD, अगर इतना टॉपिक्स पढ़ लिया तो पहले तो आपका सोम पे थोड़ा सा आ गया अच्छा नॉलेज। इसके बाद दोस्तों, आपका टाइप्स ऑफ सपोर्ट, टाइप्स ऑफ बीम, टाइप्स ऑफ कॉलम, टाइप्स ऑफ स्लैब और टाइप्स ऑफ फुटिंग, इन सबके वीडियो मैंने इसी चैनल पे बना रखे हैं, आगे आप डाल देना टाइप्स ऑफ सपोर्ट बाय आकाश पांडे डालो, आपको फटाफट वीडियो मिलेगी और पूरा मैंने समझाया है, PPT के साथ समझाया है। सो कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आप पूरा टॉपिक यहां से कवर कर सकते हो मेरे दोस्त, और थोड़ा सा फोकस करके पढ़ना पड़ेगा। अब इसमें मैं इसके आगे अंदर एक्सप्लेन नहीं करूंगा इस वीडियो में कि SFD क्या होता है, क्योंकि आपको डिफिनेशन तो पता ही होना चाहिए SFD BMD का। मैं सिर्फ टॉपिक पे फोकस करूंगा आज के वीडियो में। आपको जो टॉपिक बिल्कुल नहीं आते हैं नीचे कमेंट प्लीज करना, जिससे कि जिसके भी टॉपिक्स के ज्यादा कमेंट रहेंगे उसी टॉपिक पे नेक्स्ट वीडियो अपन लेके आएंगे। चलिए दोस्तों, इसके बाद चलते हैं। और दूसरा जो क्वेश्चन पूछा जाता है, मतलब ये तो चलो इंट्रोडक्शन हो गया, इसके बाद क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे कोड्स के ऊपर। कोड का बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि एक स्ट्रक्चर इंजीनियर की कुछ भी काम करेगा बिना स्टैंडर्ड्स के कर ही नहीं सकता है। मतलब अगर डेंसिटी पता नहीं तो लोड कैसे निकालोगे एज ए स्ट्रक्चर इंजीनियर? लोड नहीं निकाल पाओगे तो लोड डालोगे क्या? लोड डालोगे नहीं तो एनालिसिस क्या होगी? एनालिसिस क्या होगी तो फिर डिजाइन क्या होगा? डिजाइन नहीं आएगा तो डिटेलिंग नहीं आएगा। सो कौन कौन से कोड आपको आने चाहिए? 456 आना चाहिए, 2000 एक आना चाहिए, 800 2007 एक आना चाहिए, 875 के पांचों पार्ट अच्छे से दोस्तों। इसके बाद आपको विंड लोड का नॉलेज होना चाहिए, जिसमें 875 Part 2, 3 जो होता है वो विंड लोड के स्पेशली है, और ये Part 1, Part 2, Part 3 इस पर टोटल 5 पार्ट्स हैं, Part 4, Part 5। Part 1 है डेड लोड के लिए, Part 2 है लाइव लोड के लिए, Part 3 है विंड लोड के लिए, Part 4 है स्नो लोड के लिए, Part 5 है लोड कॉम्बिनेशन के लिए। तो दोस्तों, आपको रेगुलर कोड पूरे अच्छे से पढ़ना चाहिए, ये सब नेट पे मिल जाएंगे, आप डायरेक्ट फ्री डाउनलोड कर सकते हो। एक बार उनके जो इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स हैं उनको अपने एक हैंडबुक में, नोट्स में बना लो और रट जाओ। इन दोनों का तो मैंने इंपॉर्टेंट की पॉइंट आपको यूट्यूब पे ही बता दिया है, तो आप चाहो तो यहाँ से सर्च कर लो या फिर आप अपने से भी पढ़ सकते हो जैसे आपको ठीक लगे। सेस्मिक लोड अच्छे से दोस्तों आपको आना चाहिए, सेस्मिक मतलब ऐसे केवल कोड नहीं, कोड में एग्जैक्टली क्या क्या चीजें हैं वो सब कुछ आना चाहिए आपको, एग्जैक्टली इन द सेंस कि जोन कितने हैं, जोन 2, 3, 4, 5, अच्छा जी ठीक है, 2 का फैक्टर क्या है, 0.103 का क्या है,
सारे आपको फैक्टर्स आने चाहिए। इस पे मैंने वीडियो ऑलरेडी बना रखा है, ये भी आप यहीं से पढ़ सकते हो। इसके बाद दोस्तों आपका डिटेलिंग के लिए SP34 आपका कोड यूज होता है। कौन सा SP34 होता है, तो अच्छे से आप एक बार डिटेलिंग का ये कोड डाउनलोड कर लीजिए और पढ़ लीजिए। क्यों? क्योंकि डिजाइन करने के बाद अगर आप डिटेलिंग नहीं दे पाओगे तो फिर मजा ही नहीं है ना। फिर इसके बाद दोस्तों आपको आना चाहिए डिजाइन में, आपको एक कोड है SP16, क्योंकि कई कंपनियां होती है जो कि SP16 से डिजाइन करती हैं। अब आप उनको ये नहीं बोल सकते हो कि यार मुझे ये नहीं आता है, ये भी आपको आना पड़ेगा। सो भाई इतने कोड और कुछ और है। डिजाइन हेड्स ऑफ स्टील ट्रसेस, अगर आप स्टील की कंपनी में इंटरव्यू देने जा रहे हो तो वहां पर आपसे मैक्सिमम चांस है कि SP38 के बारे में पूछ लेंगे, या फिर आपको पूछेंगे स्टील ट्रसेस कैसे डिजाइन करते हो, तो आपको बोलना है SP38 से करते हैं। थोड़ा सा गो थ्रू हो जाओगे तो अच्छा रहेगा। और उसके बाद वाटर टैंक, क्योंकि डेफिनेटली वो घर बनाओगे या कोई बिल्डिंग बनाओगे कॉमर्शियल, आउटर या इनर कोई ना कोई एक वाटर टैंक तो बनाना पड़ेगा, तो उसके लिए IS 3370 Part 1 और Part 2 अच्छे से पढ़ डालो, इसी से क्वेश्चन पूछेंगे आपसे। इसके बाद दोस्तों एक कोड और मैं ऐड करना भूल गया, और दैट इज डिटेलिंग कोड। डिटेलिंग के लिए हम लोग जो दूसरा कोड यूज करते हैं वो करते हैं IS 13920, तो उसको भी आप यहाँ पे ऐड कर लेना। मैं शायद इस पे स्किप कर गया। इसके बाद दोस्तों आपको ACI कोड आना चाहिए। अगर आप MNC में काम करने का सपना देख रहे हो US बेस्ड कंपनी का, तो वहाँ के लिए आपको ACI कोड नहीं आता है तो आप सपना मत देखो, और आता है तो डेफिनेटली देखो, और नहीं आता तो सीख लो ACI कोड्स। और उसके साथ ASTM कोड, अमेरिकन सोसाइटी फॉर टेस्टिंग एंड मटेरियल्स के कोड आपको नहीं आ रहे तो इंटरव्यू वहाँ का क्रैक नहीं हो पाएगा आपसे। क्यों? क्योंकि डेफिनेटली यार वो बाहर से क्वेश्चन जरूर पूछेंगे। और उसके बाद AISC और या अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ स्टील कंस्ट्रक्शन, तो इसका अगर आपने कोड डाउनलोड कर लिया नेट से और पढ़ लिया तो आप MNC के इंटरव्यू आराम से क्रैक कर सकते हो। इसके बाद दोस्तों आपको लोड कैलकुलेशन अच्छे से आना चाहिए, जिसमें सारे का मैनुअल लोड, मतलब विंड लोड कैसे कैलकुलेट करना है, सेस्मिक, डेड, लाइव, इंपैक्ट लोड, लोड कॉम्बिनेशन, वाटर टैंक, सबका लोड मैनुअल आना चाहिए आपको। बड़ा आसान है, जैसे विंड लोड का है VV K1 K2 K3 K4 K1 क्या है, K2 क्या है, सब मैंने बताया हुआ है, एक बार आपको पढ़ने की जरूरत है। इसके बाद दोस्तों आप दूसरा टॉपिक तैयार कर लो सेस्मिक के लिए, डेट के लिए। डेट का लोड निकालने का सबसे इजी फंडा क्या है, डेंसिटी इंटू थिकनेस कर दो, हर चीज का लोड निकल के आ जाएगा। तो ये भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। लाइव लोड दोस्तों आपको आना चाहिए। लाइव लोड में क्या आना चाहिए, Part 2 875 का Part 2 ले लो, पूरा लाइव लोड आपको कंप्लीट तैयार हो जाएगा। इसके बाद आपको इम्पैक्ट लोड पता होना चाहिए, जिससे कि अलग अलग जगह पर ब्लास्ट वगैरह का लोड आता है वो कितना आता है, कैसे आता है, स्नो का लोड कितना आता है, वो सब पता कर लो। लोड कॉम्बिनेशन आपको बनाना आना चाहिए, वैसे तो आजकल सॉफ्टवेयर से ही जनरेट हो जाता है, बट खुद से बनाना है तो भी आपको IS 875 Part 5 को देख के एक बार लोड कॉम्बिनेशन पढ़ लो, और वाटर टैंक का लोड लगाना सीख लो। वाटर टैंक का डिजाइन नहीं करोगे चलेगा, बट उसका लोड कितना आ रहा है ये कर लो, बहुत जरूरी है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर होता है बीम और मैनुअल और एक्सल डिजाइन। मैंने मैनुअल और एक्सल दोनों क्यों लिखा है, क्यों? क्योंकि कई कंपनियां हैं जो कि एक्सल पे काम करती हैं, कई हैं जो मैनुअल पे काम करती हैं, मैक्सिमम एक्सल से क्रॉस चेक करती हैं। तो बीम, कॉलम, फुटिंग, स्लैब, स्टेयरकेस, सीयर वॉल, रिटेनिंग वॉल और वाटर टैंक, सबका मैंने एक्सल सीट आपको टेलीग्राम ग्रुप पे दे रखा है। अगर नहीं मिला है तो नीचे कमेंट करो, और टेलीग्राम पे जाके एक बार चाहे तो मैसेज कर देना, वहां पे फिर से मैं भेज दूंगा। वैसे मैंने एक्सल सीट पूरा भेज रखा है, और मैनुअल भी मैंने काफी हद तक दे रखा है, एक दो का शायद नहीं दिया होगा। और टेलीग्राम चैनल पे चले जाओ, वहां पे सब मैं भेजता रहता हूं, और वहां पे आपको मिल जाएगा इजिली। इसके बाद दोस्तों आपको आना चाहिए सॉफ्टवेयर, कुछ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट आज के टाइम में, मैक्सिमम चीजें सॉफ्टवेयर से हो रही है, तो उसमें सॉफ्टवेयर में भी क्या आना चाहिए ये इंपॉर्टेंट है। जैसे कि ऑटोकैड सॉफ्टवेयर कैसा आना चाहिए, लाइन पॉलीलाइन सर्किल बिल्कुल नहीं आना चाहिए आपको, स्टार्ट टू एंड ड्राइंग एप्लीकेशन कैसे ड्राइंग बना के देना है सामने वाले को, ये नहीं आता है तो आपका कोई रोल नहीं, मतलब कि कोई इंपॉर्टेंस नहीं रह जाएगा आपके ऑटोकैड सीखने का। ड्राइंग बना के देना ही ऑटोकैड का एक्चुअल नॉलेज है, ठीक है। अभी क्या होता है कि हम लोग अधूरा नॉलेज ले लेते हैं, आप सबको पता है, तो कहते ना कि अधजल गगरी छलकत जाए, तो अधूरा नॉलेज हमने थोड़ा बहुत देख लिया, हमको लगता है यार आ गया, बट इंटरव्यू क्रैक नहीं होता। क्यों? कि भैया जब तक पूरा नॉलेज नहीं होगा इंटरव्यू क्रैक नहीं होगा। इसके बाद दोस्तों ETF सॉफ्टवेयर, जिसमें आपको डायनेमिक एनालिसिस बहुत अच्छे से आना चाहिए। डायनेमिक मतलब यहाँ पर मैंने मेंशन नहीं किया, बट डायनेमिक इन द सेंस टाइम हिस्ट्री एनालिसिस, आपका रन स्ट्रक्चर, सॉरी क्या बोलते हैं उसको, टाइम हिस्ट्री एनालिसिस आपको अच्छे से आना चाहिए, रिस्पॉन्स स्पेक्ट्रम एनालिसिस अच्छे से आना चाहिए, और पुश ओवर एनालिसिस, ये तीनों टॉपिक्स अच्छे तरीके से आपको क्लियर होना चाहिए। प्लस स्ट्रक्चरल डायनेमिक टर्म्स भी आपको आना चाहिए, बिल्डिंग की हाइट इतनी है तो उसके सामने कितना लेंथ छोड़ना है, ये सारा कुछ बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है जो कि ETF में आपको आना चाहिए। अगर ETF में आपको ये सारी चीज़ नहीं पता है कि हाई राइज बिल्डिंग है तो Building 1 और Building 2 के बीच में कितना जगह छोड़ना है, एक्सपेंशन जॉइंट कितना देना है, तो भाई आपके लिए खतरनाक है। तो ETF सीखो, बट ETF बियॉन्ड द लेवल सीखो, क्योंकि अगर नॉर्मल आपको एनालिसिस करना आता है
तो बिलीव करो बहुत सी कंपनियां हैं जिसमें बहुत से लड़के हैं जो बहुत लोगों को आता है ना वो चीजें, तो आपको कोई क्यों हायर करेगा? आपको तब हायर करेगा जब ईटैप का आपने जान निकाल दिया होगा, मास सोर्स का यूज क्या होता है, मॉडल केसेस का यूज क्या होता है, फुल नॉलेज रखो कि ईटैप में क्या क्या चीजें होती है। सिर्फ सॉफ्टवेयर नहीं, इसके साथ कॉन्सेप्ट की बहुत जरूरी होता है, कॉन्सेप्ट आता है तब आपको ईटैप का एक्चुअल मजा मिलेगा। इसके बाद दोस्तों सेफ सॉफ्टवेयर है, सेफ सॉफ्टवेयर से आप स्लैब और फुटिंग का डिजाइन कर सकते हो बहुत अच्छे तरीके से, तो इसके लिए आपको ये आना चाहिए। इसके बाद आपको स्टेट प्रो अच्छे से, अगर बिगनर है तो पहले तो आप स्टेट प्रो ही सीखना। स्टेट प्रो में आरसीसी और स्टील का फुल नॉलेज, खासतौर से स्टैटिक एनालिसिस पे ज्यादा फोकस करना इसमें, और आरसीडीसी जिससे कि आप ड्राइंग बना के दोगे, क्योंकि आपको स्ट्रक्चर जैसे कि आर्किटेक्चर की ड्राइंग तो आप यहां से बना लोगे, स्ट्रक्चर की ड्राइंग कैसे बनाओगे भाई? आरसीडीसी अगर नहीं आता है तो बहुत प्रॉब्लम जाएगा। और लास्ट में फिर से बोलूंगा एक्सेल शीट का डिजाइन जरूर सीखना। ये 6 पॉइंट्स हैं, नंबर मैंने आप गलत कर दिया, बट 6 पॉइंट है। अगर इतने आपने सीख लिए तो आप समझो कि आप बैकबोन बेस्ड स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग का जान चुके हो, और डेफिनेटली छोटी छोटी जो आगे चीजें बताई ये सारी चीजें इसको पढ़ लो। कुछ एक्स्ट्रा स्किल्स भी आपको आनी चाहिए, तो थोड़ा और एडवांस आपको कर देगा, आपके कंपटीशन को थोड़ा हाई, मतलब कि जैसे बहुत बड़ा हाई कंपटीशन है तो कुछ लोग वहां पे कम हो जाएंगे। क्या आना चाहिए आपको? जीए ड्राइंग, बीओक्यू, एस्टिमेशन, डिजाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग ड्राइंग, स्टील स्ट्रक्चर का अगर फॉर्म है उसके लिए, कोऑर्डिनेशन ड्राइंग और डिजाइन पर पार्टनर को कैसे शेयर करना है, उसको डिलीवर कैसे करना है अपने प्रोजेक्ट को, इसके साथ जीए ड्राइंग, जनरल अरेंजमेंट ड्राइंग आपको कैसे करना है, फैब्रिकेशन ड्राइंग कैसे करना है, असेंबली ड्राइंग कैसे करना है ऑटोकैड में, ये स्टील स्ट्रक्चर वालों के लिए फोकस है ये। इसके बाद दोस्तों प्रोवाइड टेक्निकल गाइडेंस फॉर डिजाइन इंजीनियर। अब आपको, क्योंकि आप स्ट्रक्चर इंजीनियर, आपको प्रीफर करना पड़ेगा ना, आपको सामने वाले को बताना पड़ेगा भाई ऐसे ऐसे करो तो हमारे स्ट्रक्चर के लिए अच्छा रहता है, आप ऐसे डिजाइन करोगे तो स्ट्रक्चर टर्म के लिए अच्छा रहेगा, ये सारा कुछ गाइड करना आपको आना चाहिए। इसीलिए बोलता हूँ कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। और लास्ट में हाउ टू सबमिट स्ट्रक्चर ड्राइंग टू क्लाइंट, अगर ये नहीं आता है तो ये तो अभिमन्यु का हो जाएगा कि चक्रव्यूह को तोड़ लिया, बट उससे बाहर कैसे आना ये नहीं पता है, तो ये बहुत जरूरी है, ये आना चाहिए। दोस्तों ये थे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जिनको मैंने शॉर्ट करके आपको थोड़ा इंटरेस्टिंग करके आप तक पहुंचाने की कोशिश की है। अब आपका काम है कि आप नीचे कमेंट करो कि इसमें से कौन सा टॉपिक आपको बिल्कुल नहीं आता है, क्योंकि टॉपिक तो बहुत है, बट बिल्कुल जो नहीं आता है वो टॉपिक को मैं कवर करने की कोशिश करूंगा, और ज़्यादा जिस टॉपिक का कमेंट रहेगा डेफिनेटली पहले वो लोग हम लोग करेंगे। दोस्तों मैं बहुत ज़्यादा मेहनत किया इसको बनाने के लिए, तो मैं चाहूँगा कि एक लाइक मैं आपसे मांगू, आप लोग इस पे एक लाइक फटाफट करो और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करो, सो दैट मेरा नेक्स्ट जो माइंड में चल रहा है, तो स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग हो गया, इसके बाद डिटेलर जो की प्रोफाइल होती है डिटेल इंजीनियर, उसके लिए क्या क्या पढ़ना होता है नेक्स्ट मैं वो बताने वाला हूँ, तो आप लोग सपोर्ट करिए तो डेफिनेटली मैं बताऊंगा। यहाँ पे मैंने इंजीनियर नहीं लिखा सही से। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, हो वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, अभी लास्ट पार्ट आप देखिए। दोस्तों आप सबको वीडियो हो अच्छा लगा होगा, क्योंकि मैंने काफी अलग तरीके से क्रिएशन करने की कोशिश की, मैंने कहा कुछ अलग करते हैं, यूनिक सिविल यूट्यूब, यूनिक सिविल फेसबुक पेज जाके फटाफट भाई लाइक वाइक कर लेना उसको, क्योंकि उधर भी मैं अभी एक्टिव हो गया हूँ, मैंने कहा कि कुछ अलग करते हैं, तो मैं उधर के भी सोशल मीडिया पे एक्टिव हो गया हूँ और इधर तो एक्टिव हूँ ही। तो आप चलिए और वीडियो को देखिए, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो उसको दोस्तों के साथ शेयर करना, सो दैट कि मैं जल्दी से दूसरा टॉपिक लेके आऊँ और आपके लिए वीडियो बना के दिखाऊँ। चलिए जय हिंद जय भारत।